हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और हम जो कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है पार्ट वन, उसमें मैंने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में माइकल फैराडे और जेसलर के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कवर कर लिया है, माइकल फैराडे और जेसलर के एक्सपेरिमेंट को कवर कर लिया है। ओटो वन ज्यूरिख ने तो क्या इन्वेंट किया था, वैक्यूम पंप इन्वेंट किया था। उनका कोई डिस्कवरी से लेना देना नहीं है, लेकिन वैक्यूम पंप जब इन्वेंट हुआ तो उसके बाद ये डिस्कवरी थोड़ी सी इसको पास मिल गया एक। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया है। फैराडे ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, जेसलर ने किया। अब हम आज पढ़ेंगे जूलियस प्लेकर। जेसलर जो है वो जूलियस प्लेकर के ही क्या है, हाँ, जेसलर जूलियस प्लेकर के असिस्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फिर जूलियस पिलकस एक्सपेरिमेंट। क्या स्टार्ट करते हैं, जूलियस पिलकस एक्सपेरिमेंट। ओके, जूलियस पिलकस एक्सपेरिमेंट। जूलियस पिलकस एक्सपेरिमेंट, सभी लोग जो भी ये डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया या फिर जेसलर ने एक्सपेरिमेंट किया, सबने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली है, उसमें दो सील्ड इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, जो क्या है उसके अंदर सील्ड इलेक्ट्रोड हैं एंड पे, और उसमें क्या है, गैस भरी हुई है। उस गैस के प्रेशर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं वैक्यूम पंप की हेल्प से। धीरे धीरे कोई और ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, और ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, और ज्यादा रिड्यूस करते जा रहे हैं, और अलग अलग ऑब्जर्वेशन लोगों को मिलते जा रहे हैं। तो यहां पर जूलियस प्लेकर ऑल्सो चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। जूलियस प्लेकर ऑल्सो चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इन सबका मोटिव यही था कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को देखना। किसका मोटिव, क्या था मोटिव, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को देखना किसके थ्रू, गैसेस। क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, क्या गैसेस में करंट पास होता है, यही सब लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में यही हो रहा है। तो जूलियस प्लेकर भी यही चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो किस किस टाइप के ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। उन्होंने भी क्या किया, देखो, एक ग्लास ट्यूब ली, जैसे जेसलर ने ट्यूब ली थी, जेसलर ने, माइकल फैराडे ने ट्यूब ली थी, तो ऐसे ही जूलियस प्लेकर ने भी क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली और उसको उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज करंट से। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वाला ने इससे जुड़ा हुआ, ये कैथोड हो गया और ये एनोड, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, यहां पर हाई वोल्टेज, कितना हाई वोल्टेज था, 10 किलो वोल्ट से, यस 30 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज करंट, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, क्या ये, इसका नाम डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डिस्चार्ज ग्लो हो रहा था। कहां देखा था, जेसलर में देखा था ना, डिस्चार्ज ग्लो, इसके बीच में पिंक पिंक कलर बताया था मैंने, डिस्चार्ज ग्लो, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, एनर्जी रेडिएट करने की वजह से क्या हो रहा था, उसके अंदर ग्लो प्रोड्यूस हो जा रहा था, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर, इसीलिए इसको बोला गया डिस्चार्ज ग्लो। क्या बोला, ग्लो को, डिस्चार्ज ग्लो, डिस्चार्ज। ठीक है,
तो इसीलिए अब इस ट्यूब का नाम भी रख दिया डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर चार्ज नहीं है, इसका चार्ज नहीं होगा, ये वाली बात नहीं है। डिस्चार्ज का मतलब, डिस्चार्ज का मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो ग्लो डिस्चार्ज होगा, जब ये ऑपरेट करते हैं इसको हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करेंगे तो इसके अंदर ग्लो डिस्चार्ज होगा। क्लियर? इसके अंदर गैस है वो भी एट लो प्रेशर 10^-3 एटमॉस्फेयर, लो प्रेशर पर गैस ले ली इसके अंदर, मतलब लो प्रेशर पर ये गैसियस एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या किया, अप्लाइड हाई वोल्टेज, पहले तो एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, विद सील्ड इलेक्ट्रोड्स, विद सील्ड इलेक्ट्रोड्स, यहां भाई इलेक्ट्रोड सील्ड हैं, इसके एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए हैं उसके अंदर ही, ठीक है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब की विद शील्ड इलेक्ट्रोड्स, तो एंड्स पे उसके इलेक्ट्रोड सील्ड है। गैस एट वेरी लो प्रेशर, जो गैस इसके अंदर फिल की वो लो प्रेशर पर की, कितना लो प्रेशर था 10^-3 एटमॉस्फेयर, इतने लो प्रेशर पर इन्होंने इसके अंदर गैस फिल कर दी। अब गैस फिल कर दी उसके बाद क्या किया, उसके बाद होम मतलब वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया भाई, अप्लाइड हाई वोल्टेज, अप्लाइड हाई वोल्टेज, और ये वोल्टेज कितना हाई था, 10 किलो वोल्ट से लेकर यस 30 किलो वोल्ट तक। गुड, उसके बाद इन्होंने लिए ऑब्जर्वेशंस, इनको ऑब्जर्वेशंस इन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इस एंड पर बिहाइंड द एनोड। जब इन्होंने इसको ऑपरेट किया, ये एक ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज, ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज, ग्लास ट्यूब के अंदर गैस भरी है वो भी लो प्रेशर पर, ये एनोड कैथोड, यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया और यहां पर ये वैक्यूम पंप, क्योंकि इसी से तो प्रेशर लो किया था, तो ये वैक्यूम पंप, ठीक है, तो वैक्यूम पंप से इसके अंदर का प्रेशर लो कर दिया, बहुत ज्यादा लो कर दिया, 10^-3 एटमॉस्फेयर के इक्वल लगभग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑपरेट किया इस ट्यूब को, वोल्टेज अप्लाई किया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ग्लो प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉल ऑफ इस पर ग्लास ट्यूब बिहाइंड द एनोड, एनोड के बिहाइंड इन्होंने ग्लो देखा, एनोड के बिहाइंड ग्लो देखा और थोड़ा बहुत ग्लो ट्यूब में भी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो एनोड के बिहाइंड इन्होंने ग्लो देखा ग्रीन कलर ही ऑब्जर्व, देखो ये है कंडीशंस क्या क्या ली हैं और मैं अब पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, ही ऑब्जर्व अ ग्लो, अ ग्रीन ग्लो, ग्रीन कलर्ड ग्लो बिहाइंड द, यस बिहाइंड द एनोड, इनको एनोड के पीछे ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दिया ऑन द बॉल ऑफ ट्यूब, ट्यूब थी ग्लास ट्यूब थी उसकी बॉल पे ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैथोड से कुछ आ रहा है, कुछ क्या बोले, कैथोड से कुछ आ रहा है, मतलब कुछ का मतलब उन्होंने बोले कि ये कैथोड से रेज आ रही है, क्या आ रही है, रेज आ रही है, उन्होंने कहा कैथोड से कुछ रेज आ रही है और वो रेज आकर टकरा रही है ऑन द बॉल ऑफ
ग्लास ट्यूब और वो टकराने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही है, ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। तो रेज बोले ना, वो बोले कुछ रेज आ रही है, कहां से आ रही है, कैथोड की तरफ से आ रही है। और बाद में इन्हीं रेज का नाम जे.जे. थॉमसन ने क्या रखा, कैथोड रेज रख दिया। तो किसने डिस्कवरी की कैथोड रेज की, हाँ जूलियस फ्लिकर ने डिस्कवरी की ना, डिस्कवरी तो जूलियस फ्लिकर ने ही की, नाम किसने रख दिया, जे.जे. थॉमसन ने। अगर मान लो पहली बार मैं ये मार्कर, इसका नाम मार्कर नहीं है अभी, मैं ये चीज लाके आप लोग दिखाऊं कि ये है, ये ऑब्जेक्ट है, और बाद में इसका नाम कोई मार्कर रख दे, तो क्या होगा, क्या उसके नाम की डिस्कवरी तो ना हो गई है। भाई चीज तो मैंने दिखाई ना दुनिया को पहले कि हाँ ये चीज है, उसके बाद किसी ने इसका नाम मार्कर रख दिया, तो डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी की जूलियस फ्लिकर ने। वो उन्होंने कह दिया कि रेस निकल रही है, और कहां से रेस निकल रही है ये भी बताया, कैथोड की तरफ से रेस आ रही है, कैथोड में से रेस आ रही है, जूलियस फ्लिकर बोले कैथोड से रेस आ रही है। और बाद में जे.जे. थॉमसन ने कहा ये जो रेज हैं कैथोड से आ रही हैं, इनका नाम क्या है, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि मान लो कोई बरेली का होता तो उसे कह देते बरेली वाली आंटी, कोई रामपुर तो रामपुर वाली आंटी, कोई मुरादाबाद तो मुरादाबाद वाली आंटी, ऐसे बोलते नहीं, क्योंकि उनके प्लेस से डिफाइन करते हैं, उनको प्लेस से डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे ही भाई ये कैथोड वाली थी, कैथोड की तरफ से आई थी, कैथोड के यहां से आई थी, तो कौन सी हुई कैथोड वाली आंटी, आंटी नहीं रेज, क्या हो गई कैथोड वाली रेज, तो कैथोड वाली रेज हो गई। तो जे.जे. थॉमसन बोले कैथोड वाली रेज क्यों कर रहे हो, यही बोल दो ना सीधे कैथोड रेज। अरे बात सही है नहीं, जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा होगा, यस इनका नाम क्या है कैथोड रेज, उन्होंने जे.जे. थॉमसन ने इनका नाम कैथोड रेज रख दिया। ठीक, तो ही ऑब्जर्व द ग्रीन कलर ग्लो बिहाइंड द एनोड ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब या ग्लास ट्यूब। ठीक है, फ्लिकर साइड दिस ग्लो प्रोड्यूस्ड, दिस ग्लो प्रोड्यूस्ड कॉज्ड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड इज कॉज्ड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड। उन्होंने क्या कहा कि फ्लिकर सेड दिस ग्लो प्रोड्यूस इज कॉज्ड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम द एनोड। कौन सा ग्लो, ये ग्रीन ग्लो जो कहां पर प्रोड्यूस हो रहा था, बिहाइंड द एनोड प्रोड्यूस हो रहा था, जो बिहाइंड द एनोड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है दिस ग्लो, this glow produced by the cathode rays on the glass ball। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है green glow दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, green ग्लो देखा, ये ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है, ये रे, ये जो ग्लो है ये प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ कैथोड रेज ऑन द बॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो इन्होंने देखो ये रेज बोल दिया ना यहाँ पर, और ये रेज कहां से आ रही है, कैथोड से आ रही है, ये भी बोल दिया। तो फर्दर दीज रेज कॉल्ड कैथोड रेज, फर्दर दीज रेज named as cathode rays, बाद में इनका नाम cathode rays रख दिया, किसने रख दिया, जे.जे. थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन। Further these rays named as cathode rays by जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने इसका नाम कैथोड रेज। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये जूलियस फ्लिकर का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया जूलियस फ्लिकर का एक्सपेरिमेंट, अच्छे से हो गया। क्या किया जूलियस फ्लिकर ने, वही ग्लास ट्यूब ली जैसे सब ले रहे थे, उसके अंदर का प्रेशर क्या किया और
रिड्यूस कर दिया, मोर इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज की, क्या यूज की, मोर इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज की, और क्या हो रहा होगा, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही होगी, ये प्रोड्यूस क्यों हो रही होंगी रेस, देखो तो ये नोट कर लिया। एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेट करके देखेंगे इसको। रेस साइड एनोड है और इधर कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड, और बीच में बेचारा फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन, बीच में बेचारा फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं एटम, अरे एटम है ना, ये गैसियस एटम है, ठीक है गैसियस एटम है, ये है गैस एटम्स, क्योंकि पहले तो एटम्स ही जानते हैं ना, एटम ही जानते थे और कुछ, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये इस समय तक कुछ नहीं पता था, अभी तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हुआ, जानते ही नहीं थे उस बारे में, लेकिन ये कहां से जोड़ रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि उस समय क्या हो रहा होगा वो बात समझने के लिए, ठीक है। जो जूलियस पिलकर को ये ग्लो दिखाई दे रहा था, ये क्यों दिखाई दे रहा था, ये मैंने जूलियस पिलकर का जाइसलर में बताया है आपको, जाइसलर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों दिखाई दे रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ, और ये सेंटर सेंटर अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, और ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये जब सेंटर आके यहां टकराएगा तो यहां से क्या और प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोड्यूस, ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए ये क्या होंगे, ये मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स दी एनोड, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, तो ये इनको कौन खींच लेगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड खींचेगा, तो इसकी तरफ ये एक्सीलरेट होने लगेंगे, ठीक है, एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स दी एनोड, ये एनोड की तरफ एक्सीलरेट होने लगेंगे, और यही क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म कैथोड रेस, फॉर्म कैथोड रेस, इन्हीं की तो कैथोड रेस बनी है, यही तो मूव कर रहे थे, कौन मूव कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, यानी कि जो ये कह रहे हैं जूलियस पिलकर की इधर से कुछ रेस आ रही है, ये इस तरह से, तो इसका मतलब ये रेस किसकी बनी हुई थी, ये इलेक्ट्रॉन्स की रेस थी, इलेक्ट्रॉन बीम थी ये, लेकिन ये बात का पता लगी बाद में, पहले तो सिर्फ इतना ही पता लगा कि रेज हैं, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन की बनी थी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, जो कहां से प्रोड्यूस हो रहे थे, कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, क्यों प्रोड्यूस हो रहे थे, क्योंकि वो ये आयोनाइज एटम आके टकराया और उसने इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर दिया और बाहर निकाल दिया, वो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, किधर मूव करने लगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगे, और उन्होंने रेस फॉर्म कर दी, क्या फॉर्म कर दी, रेस फॉर्म कर दी, बीम बना दी, जैसे कि लाइट की बीम, ऐसे ही बीम बना दी पार्टिकल्स की, और जो एनोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो इसी बीम के टकराने से प्रोड्यूस हो रहा था। अच्छा, इस ग्लो प्रोड्यूस होता है इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, कौन सा फेनोमेना बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, ठीक है, ये भी मैंने जाइसलर में आपको बताया है, ठीक है, जिसने नहीं देखा है जाइसलर का एक्सपेरिमेंट और माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट, वो इससे पहले वाला लेक्चर जाके देख लेंगे। तो अब समझ में आ गया ये पूरा पूरा फेनोमेना समझ में आ गया, ठीक, तो अब देखते हैं हम हेटॉर्क, क्या देखेंगे, हेटॉर्क रब कर दूं, हेटॉर्क्स एक्सपेरिमेंट, हेटॉर्क्स एक्सपेरिमेंट, जब
अब डिस्कवरी तो हो गई रेस की, बस नाम देने को रह गया। नाम तो कौन देंगे जाके? हाँ, थॉमसन नाम देंगे। रेस की डिस्कवरी हो गई, कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई। हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस? जूलियस क्रिकर डिस्कवर्ड कैथोड रेस। नाउ हिटॉक्स एक्सपेरिमेंट। ये हिटॉक कौन थे? हिटॉक जो है वो इनके शिष्य हैं। पीपल ऑफ जूलियस क्रिकर, सब गुरु चेला ही इकट्ठे हो गए हैं। जय सिलर, जूलियस क्रिकर, हिटॉक, कोई असिस्टेंट, कोई प्रोफेसर, कोई स्टूडेंट, सब इकट्ठे हो गए भाई, है ना। तो अब ये हिटॉक इनके शिष्य थे, तो बोले गुरुजी ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, हम कुछ ना कर पाए, बस थोड़ा बहुत तो जरूर करेंगे। तो जैसलर, इसके बाद हिटॉर्फ ने एक्सपेरिमेंट किया इसी को और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश की। किसकी? कैथोड रेस। उन्होंने क्या किया हिटॉर्फ? परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया? हिटॉर्फ ने। और क्या लिया उन्होंने? देखो भाई, एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और लो प्रेशर, ठीक है, इस पर लो प्रेशर पर। तो इस तरह से एक ट्यूब हो गई और ये इसके अंदर और इस बार ये एनोड यहां लगा देते हैं। ट्यूब है, कैसी भी बना लो, कहीं भी इलेक्ट्रोड लगा दो, ठीक है। मैंने बताया था जायसलर डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्यूब्स बनाते थे। तो ये एनोड लगा दिया, ये कैथोड, ये इसलिए लगाया था कि इधर का स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए खाली मिल जाए, स्क्रीन की तरह काम करने लगे, इसलिए नीचे एनोड लगा दिया है। क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, अभी वही प्रूव करेंगे कौन हिटॉर्स। तो ये कैथोड हो गया, कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है और यहां पर ये हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया। हाई वोल्टेज कितना? 10 किलोवोल्ट से 30 किलोवोल्ट तक हाई वोल्टेज करंट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, ये क्या है? डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब। और इसके अंदर गैस एट लो प्रेशर। अब इन्होंने क्या किया? करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए कैथोड रेस के यहां पर, अच्छा यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा होगा प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब जब ये थोड़ा सा थोड़ा बड़ा बना देते हैं ऑब्जेक्ट, त्यों 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 त्यों, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया किसके रास्ते में? कैथोड, क्योंकि भाई इधर से कैथोड है, जब इस ट्यूब को ऑपरेट करेंगे तो क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कैथोड रेस बोलो उसको, क्या बोलेंगे? कैथोड रेस। अब इनके रास्ते में कौन आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट। तो जिनके रास्ते में नहीं आया वो तो यहां तक पहुंच गए, और जिसके रास्ते में आ गया वो
उसकी क्या बनेगी यहां पर शैडो, क्या बनेगी तो ये शैडो बन गई, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की शैडो मिली यहां पर। ये शैडो किस वजह से मिली होगी, क्योंकि यहां पर पार्टिकल वो रेज नहीं पहुंची होंगी, रेज ने ग्लो प्रोड्यूस नहीं किया होगा, तभी तो शैडो मिलेगी। और इसलिए तो शैडो मिलेगी क्योंकि रेज नहीं पहुंच रही है और रेज ग्लो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो रेज हैं वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल कर रही हैं, हाँ कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तभी तो इससे रुक गई। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती होती तो ऐसे कहीं से भी ताप बन जाती और जाके यहां टकरा जाती है, लो कर दिया प्रोड्यूस गिलो। अरे सही बात है नहीं, अरे अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो ऐसे सांप की तरह बिल्कुल लहरा मार के यहां टकरा जाती जाके, और वो तीन लो गिलो प्रोड्यूस हो गया गिलो, लेकिन नहीं हुआ गिलो प्रोड्यूस। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इनके रास्ते में ऑब्जेक्ट आ गया तो वो वही टकरा के वही रुक गई और आगे जाके उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस नहीं किया। इट मीन्स द कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं हिटॉफ के, हिटॉफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज एंड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, अ शैडो ऑन द ऑब्जेक्ट पर ऑन द बॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। तो क्या कंक्लूजन निकाला, बताओ। इट मीन्स यस कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कैथोड रेस। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने ऑब्जेक्ट ना रखा और क्या रख दिया, एक पैडल व्हील, क्या रख दिया पैडल व्हील। ये था ऑब्जेक्ट, पहले ये ऑब्जेक्ट था, इस तरह से नोट कर लेना ऑब्जेक्ट, और दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को हटा के यहां से इसी को एक्सल पे लगा के और इसको क्या कर दिया, घूमने वाला लगा दिया, इस पर पैडल व्हील बना दिया, इसको क्या बना दिया पैडल व्हील, और इसको रख दिया यहां पर, इसके रास्ते में क्लैंप कर दिया यहां। तो पैडल व्हील जब लगाया तो ये शैडो नहीं, शैडो की जगह क्या मिलेगा, ये स्टार्ट रोटेटिंग, क्या करने लगा ये, हाँ पैडल व्हील लगाया तो पैडल व्हील रोटेट करने लगा वो, ठीक है, ये क्या करने लगा रोटेट करने लगा। और रोटेट कैसे करेगा, मान लो वो चरखी आती ना मार्केट में, चरखी बच्चे उड़ाते हैं ऐसे हवा से, तो वो घूमने लगती है, क्या वो अगर ऐसे ही बंद कमरे में रख दिया जाए तो क्या वो घूमेगी, जब तक उससे कोई चीज टकराएगी नहीं, एयर नहीं टकराएगी, ठीक है, एयर जब तक उससे पास नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एयर क्या है, मैटर है, एयर क्या है, वो फोर्स अप्लाई करती है उस पर, क्या करती है भाई, इसको मोमेंट कराने के लिए, इसको मोमेंट कराने के लिए किसकी जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, और फोर्स कौन अप्लाई करेगा, कोई मैटर पार्टिकल, कौन अप्लाई करेगा, मैटर पार्टिकल होना चाहिए ना उसको, फोर्स अप्लाई करने के लिए मैटर पार्टिकल होना चाहिए, तभी तो फोर्स अप्लाई करेगी। अब क्योंकि कुछ लोग का ये मानना था कि जो वेव है ये वेव है, कुछ लोग क्या कह रहे थे, हार्ड जो लेनार्ड वगैरह ये लोग कह रहे थे कि
जैसे कि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये पार्टिकल है, कुछ लोग कह रहे थे ये वेव है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि ये पैडल व्हील है, ये घूमने लगता है, और घूमने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स कौन लगा सकता है, सिर्फ मैसे पार्टिकल लगा सकता है। कौन लगा सकता है, सिर्फ मैसे पार्टिकल ही लगा सकता है भाई, जिसके पास मास होगा भाई तो फोर्स लगाएगा। फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू ए, फोर्स इक्वल्स टू, तो मास होना चाहिए ना पार्टिकल के पास, तभी तो वो फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगेगा तभी यहाँ मोमेंट आएगा, फोर्स लगेगा तभी क्या होगा, मोमेंट आएगा। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया भाई, यहाँ मोमेंट मिला, यहाँ ये घूमने लगी, तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि इसका मतलब जो रेज बनी है वो किसी ऐसी चीज से बनी है जिसमें क्या है, मास है, इसमें क्या है, इसका मतलब वो मैटर है, इसका मतलब वो मैटर है, क्योंकि वेव्स नहीं घुमाएंगे, वेव्स तो इस रूम में है, अगर मैं चरखी लेकर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो क्या चरखी घूमने लगेगी, क्योंकि यहाँ वेव्स तो है ना, तो वेव्स नहीं घुमाती, और अगर एयर पास हो जाए तो चरखी घूमने लगेगी, ठीक है ना, एयर पास होते ही चरखी घूमने लगेगी, लेकिन वेव्स नहीं घुमा रही, वेव्स तो बहुत सारी, मोबाइल बज रहा है, टीवी चल रहा है, ये सब चल रही है, तो इसका मतलब वेव्स तो है ना, लेकिन वेव्स नहीं घुमाती, तो कौन घुमाएगा, मैटर पार्टिकल, फोर्स अप्लाई करने के लिए मैटर पार्टिकल होना चाहिए। तो ये प्रूव कर दिया हिटॉर्फ ने, क्योंकि ये घूमने लगा, तो हिटॉर्फ बोले क्या, कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मैटर पार्टिकल्स, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो पैडल व्हील रखा है इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज स्टार रोटेटिंग। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन पहला तो ये दिया, दूसरा ये कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स। कैथोड रेज है वो मैटर पार्टिकल्स की बनी है, कैथोड रेज किसकी बनी है, मैटर पार्टिकल्स, because the pedal placed in the path of cathode rays starts rotating, chalenge na, because the pedal wheel placed in the path of cathode rays starts rotating, is baat se ye pata laga ki wo kiski bani hai, wheel placed in the path of rays starts rotating, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ये तो हमारे पास जैसलर भी हो गया, जूलियस पिलकर हो गया, हिटॉर्फ भी हो गया, नाउ विलियम क्रुक्स जो फर्दर करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की है, प्रॉपर्टीज की स्टडी की है कैथोड रेज की, वो किसने की, विलियम क्रुक्स ने, ओके okay. तो मैं ये रब कर दूं, ये आप लिया होगा हम लोगों ने, देखो ये नेक्स्ट विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, तो क्या है विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, सेम क्या किया विलियम क्रुक्स ने, सेम एक्सपेरिमेंट, एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब और
दो इलेक्ट्रोड शील्ड इन द क्लास टू, वैक्यूम पंप यहां लगा दिया प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। अब इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे किया, इन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया धीरे धीरे, पहले नॉर्मल प्रेशर पर देखा, फिर थोड़ा उसके अंदर से गैस रिमूव की, कम प्रेशर पर देखा और कम प्रेशर पर देखा और कम प्रेशर, इस तरह से प्रेशर उसका कम करते गए। बहुत बढ़िया वैक्यूम पंप यूज किया, खूब पावरफुल, उसके अंदर का प्रेशर कम करते गए, निकालते गए गैस के अंदर से। तो इनको जब बहुत सारे अलग अलग प्रेशर पर देखा तो वेरिएबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी मिले होंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे नहीं, वेरियस ऑब्जर्वेशंस लिए इन्होंने विलियम क्रूक्स ने। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब वैसे तो ना वेरियस कंडीशंस पर इसको ऑपरेट किया, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मिले इनके वो हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, अच्छे ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज है, ग्लास डिस्चार्ज, ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज, ग्लास ट्यूब विद सील्ड इलेक्ट्रोड्स, ये लिया गैस एट वेरी लो प्रेशर, अप्लाइड हाई वोल्टेज, तो ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं देखूं तो पहले तो इन्होंने ऑपरेट किया नॉर्मल प्रेशर पर, कैसे ऑपरेट किया नॉर्मल प्रेशर पर, मतलब इसके अंदर बहुत सारी गैस फिल्ड थी, बहुत सारी गैस फिल्ड थी इसके अंदर नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर कैसा था नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर पर हाई वोल्टेज भी अप्लाई करके देख लिया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, नो रिजल्ट। तो फर्स्ट क्या है, ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज एट नॉर्मल प्रेशर, क्या रिजल्ट आया, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिला, नो रिजल्ट, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर कितना प्रेशर रिड्यूस कर दिया, He observed, क्या ऑब्जर्व किया, देखो जब प्रेशर रिड्यूस किया तो ये प्रेशर इसमें क्या हो गया, कम हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, ये लो गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, देखो लो प्रेशर, अब ये क्या जनरेट कर दिया, लो प्रेशर जनरेट कर दिया, लो प्रेशर, इसके अंदर लो प्रेशर है। अब क्या उनको देख, उन्होंने देखा कि जो ग्लो है वो हमें कहां मिल रहा है, ट्यूब के अंदर भी ग्लो मिल रहा है, मैंने आपको बताया था पिंक कलर का ग्लो, ग्रीन कलर का ग्लो बताया था ना जैस कलर में, तो इनको ट्यूब के अंदर भी ग्लो मिल रहा है और ट्यूब की बॉल पर भी ग्लो मिल रहा है, ठीक है, ये देखो
ग्लो ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब, और ये ग्लो ये रब कर दूं ऊपर वाला, ये तो लिखी होगा ग्लो इनसाइड द ट्यूब। ये कब मिला उनको? लो प्रेशर पर। कब मिला? लो प्रेशर पर। अंदर भी ग्लो मिला और बॉल पे भी ग्लो मिला। तो ही ऑब्जर्व ग्लो इनसाइड द ट्यूब एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब की वॉल पे भी ग्लो मिला देखने को। कब? लो प्रेशर पर। ऑन फर्दर रिड्यूसिंग द प्रेशर, अब उन्होंने क्या किया? थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया, ऑन फर्दर रिड्यूसिंग द प्रेशर कहां तक? 10^-4 से, वो 10^-6 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रिड्यूस कर दिया। 10^-6 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रिड्यूस कर दिया। उन्होंने क्या देखा? ग्लो इनसाइड द ट्यूब रिड्यूसेस एंड बिकम डार्क। क्या हो जाती है? डार्क एंड द ग्लो ऑन द वॉल इज इंक्रीज। जबकि बॉल पे क्या हुआ? ग्लो इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉल पे क्या हुआ? ग्लो इंक्रीज हो गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, वॉल पे ग्लो इंक्रीज, यहां ग्लो इंक्रीज रख। देखो, जब इसका और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया तो अंदर से जिन पार्टिकल से, गैस के जिन पार्टिकल से रेज टकरा रही थी, अरे ये ग्लो प्रोड्यूस क्यों हो रहा था? मैंने जस्ट में बताया आपको, ग्लो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो किससे टकरा रहे हैं? एटम से टकरा रहे हैं, गैसीय एटम से। वो आयनाइज हो रहे हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर स्टेट में जा रहे हैं, हायर स्टेट से वापस रिटर्न हो रहे हैं अपनी स्टेट में। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रेडिएट कर रहे हैं, और वही जो एनर्जी रेडिएशन है वो किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ग्लो के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब जब यहां से रास्ते में से वो पार्टिकल ही हटा दो जिनसे वो टकरा रहे थे, पार्टिकल ही एक दो रह जाए, केवल कम रह जाए मतलब, तो क्या अंदर ग्लो दिखाई देगा? ग्लो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ग्लो। तो जो लो प्रेशर था एट 10^-6 एटमॉस्फेयर, इसके अंदर ग्लो क्या हुआ? ग्लो नहीं रहा। कैसा हो गया ये? डार्क स्पेस हो गया। कैसा हो गया? डार्क स्पेस, कॉल्ड क्रूक्स डार्क स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? क्रूक्स डार्क स्पेस। जैसे बताया था ना उसमें माइकल फैराडे डार्क स्पेस, हाँ सेम क्रूक्स डार्क स्पेस। क्लियर है? समझ में आ गया? दिस डार्क स्पेस इज कॉल्ड, अब मैं इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं, दिस डार्क स्पेस कॉल्ड क्रूक्स डार्क स्पेस। और जो ट्यूब है इस प्रेशर पर, इतने लो प्रेशर पर ये क्या करती है? दिस ग्लो प्रोड्यूस करती है ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब, और इस ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्स कॉल्ड ग्लास ट्यूब्स कॉल्ड क्रूक्स ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्रूक्स ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारा था
क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने कुछ क्या लिए, ऑब्जर्वेशंस, क्या लिए, ऑब्जर्वेशंस लिए, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज बताई कैथोड रेस की। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो रेस निकल रही थी, ये देखो ये रेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। वो हम सब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस में।